गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जर्नी बहुत 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 ही स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज हम लोग जर्नी करेंगे ट्रेन नंबर 12326 नंगल डैम कोलकाता गुरुमुखी सुपरफास्ट में। आप बोलेंगे भाई इस ट्रेन में क्यों जर्नी कर रहे हैं, आपको बता दूं 13 अप्रैल को इस ट्रेन का पहला एलिजिबिलिफिकेशन हुआ था फ्रॉम कोलकाता टू नंगल डैम। तो फर्स्ट एलिजिबी रन फिलहाल आप में नहीं कवर कर पाया, लेकिन आपको पता है आपका भाई हमेशा फर्स्ट एलिजिबी रन ये सब करवाने के लिए जाना जाता है। तो डाउन वाला ट्रेन जो है मैं फिलहाल कवर करूंगा आसनसोल टू कोलकाता, ठीक है। तो जर्नी स्टार्ट करेंगे। जर्नी स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो नए आए हैं भाई लोग कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक नहीं किया चलो वीडियो को लाइक, बिकॉज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा, भाई को नहीं मिलेगा सपोर्ट। इसे भाई को सपोर्ट दिया, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए बिकॉज वहाँ पे मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। यूजर आईडी ऊपर वगैरह कहीं पे दिख रहा होगा, IRF सुबोधी बेकी अकाउंट जाइए फॉलो वॉलो कर लीजिए। उसका फायदा क्या होगा, कहाँ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ उसका अपडेट मैं इंस्टाग्राम में ही देता हूँ। तो जाइए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, देर की इस बात की, जाइए फॉलो वॉलो कर लीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक भाई आप बहुत कम करते हैं, लाइक कीजिए। लाइक कर लाइक के बिना मज़ा नहीं आता। मैं इस वीडियो में टारगेट रख रहा हूँ लगभग 250 के करीब लाइक, ठीक है। तो कर दीजिए, इतना टारगेट नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे तो भाई आपका भाई इतना धूप में कर ये धूप में मेहनत कर रहा है भाई। तो अभी फ़िलहाल बहुत ही जर्नीज वगैरह मैं कम करता हूँ बिकॉज टाइम एकदम ही नहीं मिलता। थर्सडे को मैं जाता लेकिन बहुत बिजी हो गया था मैं, इसीलिए थर्सडे में नहीं कर पाया, ठीक है। डाउन वाला जर्नी एक ट्रिप तो करूँगा, फर्स्ट एलेज भी रन है, कैसे सोच सकते हैं भाई। मिथिला एक्सप्रेस हुआ नहीं कर पाया, लेकिन गुरुमुखी मैं नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए ज़रूर मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फटाक से एक जर्नी हाईलाइट्स के साथ मिलते हैं सीधा आसनसोल जंक्शन पे प्लेटफॉर्म पे। तो तब तक के लिए बना रहे, फिर से देखिए आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। इधर मेरा एक भाई खड़ा है, वो भी ये भी जर्नी करेगा, इसका भी ब्लॉग आएगा। तो चलिए जर्नी हाईलाइट्स, पीछे देखिए तिरंगा लहरा रहा है, देख लीजिए तिरंगा है। तो चलिए 1 2 3 ये भी गाइस, दिस इज IRF सुबोधी, वेलकम टू माय चैनल विद ए न्यू जर्नी व्लॉग। तो फिलहाल हम लोग आसनसोल जंक्शन स्टेशन पे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे फिलहाल आ चुके हैं। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे फिलहाल आएगा नंगल डैम कोलकाता गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अनाउंसमेंट चल रहा है, ठीक है। कैसा जर्नी रहता है नहीं रहता है, आसनसोल से कोलकाता 200 किलोमीटर का नॉन स्टॉप जर्नी फिलहाल रहेगा। जर्नी के दौरान जो जो होगा आपका भाई आपके लिए करेगा वर्चुअली शेयर। तो बहुत दिन के बाद मैं वीडियो पे आ रहा हूँ, एकदम टाइम वगैरह एकदम ही नहीं मिलता, बहुत बिजी हो गया हूँ। थर्सडे पे जर्नी करने का इच्छा था आप में, फिलहाल डाउन में मेरा फर्स्ट एलेज भी रन मुझे करना पड़ रहा है। तो कोई नहीं, चलिए जनरल कोच में आपका भाई करेगा ट्रैवल। टोटल फेयर लगा आप 100 आसनसोल लेके आसनसोल से लेके कोलकाता तक नॉन स्टॉप जर्नी रहेगा। दुर्गापुर वर्धमान पानागर कोई भी स्टेशन ये ट्रेन नहीं रुकने वाला। 130 देगा कि नहीं देगा वो मुझे नहीं पता, नया एलेज भी है नहीं भी दे सकता है। तो चलिए ट्रेन आता है उसके बाद बात करते हैं, तब तक के लिए बने रहे। और बहुत भाई गर्मी है, भयानक गर्मी है भाई, 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर है, ठीक है। तो फिलहाल मैं वेटिंग रूम में बैठ के रेस्ट कर रहा था फिलहाल, तो PNR वगैरह है नहीं। तो फिलहाल वो बोला अपना आधार कार्ड दिखाओ, तो आधार कार्ड तो मैं घूम लेके नहीं घूमता लेकिन फ़ोन में रहता है ना, तो वो उससे रजिस्टर करके अपना जाके रेस्ट वेस्ट करा, उसके बाद यहाँ पे आके आपके साथ बात कर रहा हूँ। बहुत गर्मी है भाई, तो चलिए आता है उसके बाद बात करते हैं, तब तक के लिए बने रहे। सो गाइस, गुरुमुखी एक्सप्रेस अपना 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइव हो रहा है, देख सकते हैं सियालदा सेट का WAP 7 3000, ठीक है। ये देखिए नया गुरुमुखी LHB का बोर्ड, देखिए एकदम नया, पहले AC है, जनरल कोच पीछे है, ठीक है। तो सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ करूँगा शेयर। तो पहले देख लीजिए अपना गुरुमुखी एक्सप्रेस का अराइवल, ठीक है, देख लीजिए। ये देखिए एकदम नया चमचमाता हुआ LHB, ठीक है। तो आप में ज़्यादा तो बढ़िया रहता, लेकिन चलिए कोई नहीं, डाउन में ही सही, फर्स्ट LHB रन कवर करने से मतलब है, ठीक है। तो चलिए ट्रेन के अंदर घुसते हैं उसके बाद बात करते हैं। सो गाइस, सीधा देख सकते हैं ये अपने जनरल कोच, देखिए खाली है लेकिन भीड़ है थोड़ा, देखे भैया थोड़ा भीड़ है, नया LHB है,
वेस्टिबुल कोच है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। ये देखिए जनरल कोच है अपना, खाली है, भीड़ भी ज़्यादा नहीं है, बहुत भीड़ जो है अपना आसनसोल में उतर गया, इसीलिए भीड़ जो है थोड़ा कम है, ठीक है। ये देखिए अपना जनरल कोच, चलिए कहीं पे जगह बैठ जाते हैं, पहले खाली है, नॉर्मल है। सो गाइस ट्रेन जो है फिलहाल 5 मिनट हॉल्ट देने के बाद डिपार्ट कर जाएगा। ट्रेन जो है फिलहाल 2 घंटे के ऊपर डिले हो चुका है, ठीक है। तो कल मैं स्टेटस चेक कर रहा था, 4.5 घंटे के डिले था, तो फिलहाल स्लैक प्लैक लगा के ट्रेन जो है ना फिलहाल 2 घंटे के आसपास डिले है। तो इस ट्रेन के बारे में जो जो जानकारी होगा आपका भाई आपके साथ करेगा शेयर। तो पहले बता देते, ये जो ट्रेन है ना 15 कोचेस के साथ फिलहाल चल रहा है, LHB होके 15, जब ICF था तो 16 था, जनरल फिर से कमा दिया, जब ICF था ना 4 जनरल था, तो फिलहाल अभी हो गया है 2 जनरल, सिर्फ 2 जनरल हो गया है, ठीक है। तो इस बात का भाई ये तो एकदम ठीक नहीं, मिथिला एक्सप्रेस में सुना तो 1-2 जनरल, इतना जनरल था कम हटा के सिर्फ 2 जनरल कर दिया गया, AC बढ़ा दिया गया, ये भाई रेल का क्या मामला है मुझे नहीं पता। तो जनरल ऐसे कमाया जाएगा तो क्या होगा, भीड़ बढ़ेगा, तो इस बात तो भाई रखना तो ज़रूरी है ना, ये सही नहीं है एकदम। तो फिलहाल 15 कोचेस में से ये जो ट्रेन है 15 कोचेस में से टोटल 2 जनरल है, 6 है आपका स्लीपर कोच, 2 है आपका इकोनॉमी, ईस्टर्न रेलवे का जो फर्स्ट जो ट्रेन है ये इकोनॉमी क्लास दिया गया है, ठीक है, 2 इकोनॉमी कोच है, M1 और M2, 3rd AC इकोनॉमी, तो और इस बात का ध्यान रखा, 2 3rd AC है और 1 2nd AC है, जनरेटर कार एक है और 1 SLR दिया गया है इस ट्रेन में, अकल तक में नहीं था इसमें दिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो 2 घंटे के आसपास डिले है, और आपको बता दूँ 170 ईयर्स फिलहाल हम लोग इंडियन रेलवेज में सेलिब्रेट कर रहे हैं, टोटल बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, 170 ईयर्स फिलहाल इंडियन रेलवेज का जन्मदिन है आज, 170 ईयर्स हो गया, तो बताइए बहुत दिन हो गया, बहुत साल हो गया, तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस मिला जुला के सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा गंदगी वगैरह फैला हुआ है, नंगल डैम से आ रहा है ना, तो गंदगी तो है बहुत, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या ऐसा कुछ, ठीक है, खाली है नॉर्मल। तो चलिए अपना डिपार्चर वगैरह देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो गाइस निर्धारित समय से एकदम ऑन टाइम से जगह 2 घंटे के ऊपर डिले के बाद 5 मिनट हॉल्ट देने के बाद आसनसोल जंक्शन से जो है डिपार्ट कर चुका है ये अपना डिपार्चर। भाई साहब तो एक्सेलरेट भयंकर हो रहा है, भयंकर एक्सेलरेट कर रहा है एलपी साहब, देखिए बढ़िया बढ़िया, देखिए डिपार्ट हो रहा है, झटक से एक्सेलरेट हो गया। चलिए छोटा गाड़ी है, ज्यादा बड़ा गाड़ी तो है नहीं, 15 कोच का गाड़ी है, ऐसे तो चलेगा, ठीक है। तो ये अपना डिपार्चर जो है हो गया अपना आसनसोल जंक्शन से, नॉन स्टॉप जर्नी रहेगा भाई, ये आपको बता दूं। इधर देख लीजिए, इधर 2 चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है, देख लीजिए, ठीक है, और उधर 2 चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है, उधर वो ही देखिए 2 चार्जिंग के लिए, 4x1 का रेशियो रहता है, इधर 4 इधर 1 वे, इधर 4x1 का रेशियो रहता है। चलिए 2-3 सीट देखते हैं और वॉशरूम का वॉशरूम जो है दिखाएंगे आप लोगों को, ब्रांड न्यू नहीं है वॉशरूम दिखाएंगे, ब्रांड न्यू तो है नहीं। फिलहाल मेरे साथ ओबिक बैठा हुआ है, ओबिक बताओ जर्नी कैसा लग रहा है, ओबिक ठीक लग रहा है, बताओ व्यूअर्स को बताओ मेरा कैसा मतलब फील कैसा लग रहा है। सोचा था 5 लेन में ईस्टर्न रेलवे 130 दे देता है, लेकिन गुरुमुखी को नहीं दिया, और एक भी बात है पहले ICF में 6 जनरल था, आप सिर्फ 2 हो गया, ये बहुत ही हाँ, ये तो भाई हर कोई बोलेगा, मतलब मिथिला में भी वही हाल था, इसमें भी वही हाल है, मिथिला में 5 जनरल था वहाँ पर तो सिर्फ 2 हो गया, तो क्या बोलूंगा, ये एकदम AC खाली AC बढ़ाते जा रहा है इंडियन रेलवे, सारे इतना अमीर नहीं है सब लोग, जैसे AC में ही जाएगा, जनरल स्लीपर भी दीजिए, क्या बोलूंगा। ये तो भाई इंडियन रेलवे को देखना है ना, ये एकदम सही नहीं है।
देखना इसी आप लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो जनरल में भी बढ़ाइए, जनरल में ज़्यादा लोग सफर करते हैं ना, तो पैसा वाला आदमी तो है नहीं जो सफर किसी में जाएगा। सबसे ज़्यादा डिमांड जनरल का, जनरल का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैक्सिमम जो पैसेंजर्स का जो फेयर वगैरह लगता है ना वो जनरल का ही रहता है। इस बात को ध्यान रखना है भाई, ध्यान कर रहे हैं 170 या 100 के घंटे हैं, इसके मौके पर कुछ बढ़िया होना चाहिए ना, और कोई ये तो सही नहीं है। तो गाइज़ हम लोग फ़िलहाल वर्धमान स्टेशन जो है स्किप कर रहे हैं, देख सकते हैं अपना स्किप, ठीक है, ये स्टेशन में नहीं रुकता वर्धमान स्टेशन पे, ठीक है ना, शायद रुक जाएगा, क्या लगता है वो भी रुक जाएगा, स्लोली स्किप करेगा एकदम, 5-10 थोड़ा ज़्यादा ही स्लो हो गया है। মুখটা নিচে পড়েছে, আরে মুখ থুবড়ে পুরো পড়েছে, প্যাক ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ही तो जान जाता है। रनिंग ट्रेन में कोई ऐसे चढ़ता है, कोई ऐसे एकदम चलना सही नहीं है एकदम। इस वर्धमान स्टेशन जो है फिलहाल स्किप कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, एक बंदा जो है रनिंग ट्रेन से उतरने गया, वो बेवकूफ़ जो लड़का वो सामने की तरफ नहीं, मतलब नहीं उतरा, क्या उतरा, पीछे करके उतरा, ठीक है, मतलब ट्रेन का जो फोर्स है वो सामने है, वो क्या किया, वो पीछे से उतर रहा है, जो भी हो रनिंग ट्रेन में सामने से उतरो या पीछे से उतरो एकदम ही सही नहीं है, क्या वो भी, हाँ एकदम ही, एक बंदा इतना, हाँ मैं स्किप देख रहा था वर्धमान स्लोली, तो एक इतना बेवकूफ़ बंदा, मतलब चलती ट्रेन से कूद रहा है, वो भी उल्टा, मतलब सीधा जो कूद रहा है वो नहीं कूदना चाहिए, लेकिन कूद रहा है उल्टा, पूरा एकदम गिरा स्टेशन पे एकदम, उसको RPF सर ने पकड़ लिया जल्दी से, ऐसे नहीं करना चाहिए लापरवाही, ऐसे ही तो जान जाता है सब लोग को, क्या बोल। आपको गुरुमुखी एक्सप्रेस का वॉशरूम दिखाएंगे, लेकिन वॉशरूम दिखाने से पहले वॉशरूम का जो रिव्यू जब है वो मैं आज नहीं दूंगा, मेरा साथ जो ट्रैवल कर रहा है मेरा भाई ओभिक देगा, ठीक है, तो चलिए ओभिक से ही पूछेंगे वॉशरूम के बारे में, और वॉशरूम दिखाएंगे ओभिक खुद। तो भाई ओभिक दिखाओ वॉशरूम घुसने से पहले, हाल दिखाओ वॉशरूम घुसने से पहले, तो पानी वानी आ रहा है कुछ, पानी तो आ रहा है, बहुत ही गर्मी, चाह हो जाएगा इस पानी से, और यहाँ पर देखिए पानी जम गया है, यहाँ पर डस्टबिन है, कोई काम का नहीं, और यहाँ पर फट के पानी यहाँ पर पूरा बह रहा है सरफेस पे, और इधर अपना क्या है ये एक्वागार्ड का,
अच्छा इंडियन रेलवे का साइन मार्क दिया हुआ है, लेकिन इधर से जो तार है वो निकला हुआ है, देखो भाई। अरे लवली, इधर फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। और खोल के हाँ, और अंदर अंदर कुछ दिखाना बनता है कि नहीं बनता है बोलिए। अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग भी नहीं जिम्मेदारी है उसका, क्योंकि इतना बुरा हाल है अंदर का, तो क्या बोलूँगा उसने बोल सकते। पूरा खत्म अंदर अंदर आप लोगों को एक झलक दिखाऊंगा, पहले मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अंदर का जो ये हाल है, बेसिन वगैरह सब सही है, वो भी टैप ओपन करके देखो तो पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पानी तो आ रहा है। अच्छा पानी आ रहा है, ठीक है। इधर मिरर का हाल बेहाल है और नीचे मैं नहीं दिखा सकता, बंद कर दो अभी, बंद कर दो। और दिखाने की जरूरत नहीं है, चलो बंद कर देते हैं। हाँ बंद कर, धीरे से बंद करो, धीरे से, बहुत जोर से बंद हो गया, ठीक है ना। तो गाइज लगभग 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, आसनसोल से लेके कोलकाता तक नॉन स्टॉप जर्नी कवर करने के बाद, आपका भाई फाइनली पहुंच चुका है कोलकाता स्टेशन कोड KOAA। यहां से जर्नी स्टार्ट किया था, अगर आपको पता है कौन से ट्रेन से मैं आसनसोल गया था तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। यहां से जर्नी स्टार्ट किया था और यहीं पर आके जर्नी ख़त्म किया, ठीक है। तो ये कुछ बात है, ये स्टेशन मेरा बहुत फेवरेट है, ईस्टर्न रेलवे के अंदर सबसे बढ़िया स्टेशन जो है ये है, मुझे लगता है। मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ, जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था, वॉशरूम एकदम ही बढ़िया नहीं था, एकदम ख़त्म पूरा। इतना नया LHB वॉशरूम ऐसा होगा तो कैसे चलेगा भाई, एकदम नया LHB वॉशरूम मेंटेन करना भाई हम नॉर्मल आदमी लोगों का काम है। तो ये भाई कुछ अलग ही मैटर है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप लोग बताइए सही है कि गलत है। तो बाकी सब ओवरऑल जर्नी एक्सप्रेस सही था, और वर्धमान वाला केस तो आप लोगों को बताया, अगर आपको नहीं पता तो स्किप करे बिना वीडियो देख के आइए, नहीं तो पूरा वीडियो अगर नहीं देखेंगे तो मज़ा आप लोगों को नहीं आएगा, मतलब पूरा डिटेल्स आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ मैटर है, तो यही से भी है। अगर आपको लगा मेरे साथ कर रहे थे वर्चुअली ट्रैवल तो वीडियो कर दे लाइक, और चैनल में नहीं है तो भाई लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। यूज़र ID ऊपर वगैरह कहीं पर दिख रहा होगा, IRF सुबोधी एक ही अकाउंट है, वहाँ पे मैं अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। तो जाइए, मिलेंगे बहुत ही जल्दी बहुत ही बढ़िया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टिल देन नॉट बीस फ्रॉम कोलकाता स्टेशन, गुरुमुखी एक्सप्रेस, IRF सुबोधीप साइनिंग ऑफ।